जो मुझसे खफा है कोई इल्तजा है, जो लफ्जों से रूठी वो मेरी दुआ है। सलाम, तुम कैसे हो? देख लो, जिंदा हूं। कि तुमने जान से मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सर, इंसान हूं मैं, एहसास करती हूं, पर कुछ फैसले इंसान को कबूल कर लेने चाहिए। मीना, मुझ में तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है, और अब सच पूछो तो जीने की ख्वाहिश भी नहीं है। को अजियत देने वाली बात हुई ना, जीने की ख्वाहिश छोड़ देना ना शुक्री है। और जहां तक मैं जानती हूं, ना शुक्रे लोग जब उनको सब कुछ मिल भी जाता तो भी वो खुश नहीं होते। वाह, बड़ी अकलमंदी की बातें कर रही हो अब तो। लगता है निहाल का साथ रास आ गया है तुम्हें। शोहर है वो मेरे, मुझे रास नहीं आएगा तो किसे आएगा? कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें फाइनली तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल गया। आपको भी मिल सकता है, अगर आप चाहें तो मैं बात करूं। बहुत अच्छी लड़की है मीना से, बहुत खुश रखेगी अजलान तुम्हें। एक बार धोखा खा चुका हूं बीना, दोबारा धोखा खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अजलान बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ खालू, घर पे बोर हो रहा था, सोचा आप लोगों से आके मिल लूं। लेकिन अब लगता है गलत किया मैंने। चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीना छोड़ दिया मैंने। जूस या सानिया से कहूंगा वो ले आएगी जूस। आप अजलान ठीक कह रहा है, ये तुम पहली बार घर आई हो और जब से आई हो काम में लगी हुई हो। शजान, अच्छा लगता है मुझे ये सब कुछ करना। देना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी सारी तवज्जो अपने शौहर को देनी चाहिए। क्योंकि वही सबका असल हकदार है। मैं जानती हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। चाचा, मैं कमरे में हूँ, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिए। ओके, ठीक है बेटा। बेटा वो तुम आ ही गए हो तो शादी के अखराजात वगैरह जो उनका हिसाब कर लेते हैं। जी जी जरूर। ठीक है, आ आज Thank you.
हेलो निहाल, शुक्र है आपको मेरा नाम अभी तक याद है। मुझे तो लगा आपने मेके जाके शायद नाम भूल चुकी हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई कोई लिफ्ट ही नहीं है। मैंने तो सुना था कि लड़कियां शादी के बाद जब मैके जाती हैं तो बार बार फोन करके अपने शौहर को बुलाती कि वापस ले जाएं प्लीज। यहाँ तो सीन ही कुछ और है। 18 से 20 घंटे गुजर गए और तुम्हें मेरी याद तक नहीं आई। ऐसी बात नहीं है, ख्याल बार बार आता है आपका, बस शायद इजहार नहीं कर पाती। सच? ठीक है फिर आप रेडी हो जाओ, मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या कर रही हो ये? उन चचाजान ने निहाल के लिए खाना बनाने को कहा, मैं खुशी से नहीं बना रही, उन्होंने फोर्स किया था, मजबूरी में बना रही हूँ चचाजान में। अच्छा अच्छा अच्छा, मजबूरी में बना रही हो, ठीक है, मैं भी मजबूरी में निहाल को अजलान के बारे में सब कुछ बता दूंगी, खुशी से नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करना तुम। मुझसे क्या गुनाह हो गया जो आप बार बार ये कहती रहती? गुनाह? ये गुनाह क्या कम है तुम्हारा कि जिस दिन से तुम्हारी नहुसत इस घर में आई है मेरी कोई अहमियत ही नहीं रही। ना मेरी बेटी मुझे अहम समझती है, ना मेरा शौहर मुझे अहमियत देता है। सब कुछ आप करें, वो दोनों भी आपके। मैं वादा करती हूँ बहुत कम आया करूंगी, बस इस घर के दरवाजे ना बंद करें मेरे लिए, थोड़ी देर के लिए बस बर्दाश्त कर लिया कीजिएगा मुझे प्लीज। मैं तुम्हें इस घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझ आई? जाओ और अपने चाचा को जाके मना करो। उन्हें बुरा लगेगा चाची जान, उन्होंने बहुत हक से कहा है मुझे बनाने को खाना। अच्छा तो चाचा कहेगा तो इस घर को आग लगा दोगी क्या? हाँ? कुछ पता भी है इस सब पे पैसे खर्च होते हैं? पहले तुम्हारी शादी पे सर से पांव तक कर्जे में डूब गए हम लोग, सब कुछ तो लुटा दिया तुम्हारी शादी पे, और कितना खर्चा कराओगी हमारा? मैंने चाचा जान से कहा था कि सब कुछ सादगी से कीजिए। अरे वो तो पागल है, बेवकूफ है वो तो, उन्हें तो पता नहीं कब अकल आएगी। चलो निकलो यहाँ से, दबाओ ना उसे चिल्लाओ। अरे बेटा तुम ठीक हो? हाँ वो बस पाँव पाँव स्लिप हो गया था मेरा। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ क्यों कहना है मुझे, मैंने कहा ना बस पाँव अटक गया था वहाँ। अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है उसको अपने हर लफ्ज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं चाचा जान, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं थी तो बस चक्कर से आ गए। बेटा अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर यहाँ खाना पकाने क्यों आई? वो चाची तुम्हारी देख लेंगी खाना। मेरी तरफ तो देखेगा भी मत, मेरी तबीयत पहले ही बड़ी खराब है। ठीक है मैं फिर बाहर से मंगवा लूंगा। आओ बेटा आओ, कम आ जाओ। लुटा दूंगा सब कुछ इस हरामखोर के ऊपर। अगर घर में खाना नहीं पकने दूंगी तो बाहर से खाना मंगाऊंगा जरूर, पैसे जरूर खर्च करूंगा, बादशाह सलामत हूं ना मैं कहीं का। पता नहीं कब जान छूटेगी इस मनुष्य से।
निहाल बेटा, इसको अब अपना घर ही समझना और जब भी फुर्सत मिले दोनों आ जाना। जी जी जरूर अंकल, जब तक मैं फ्री हूँ तब तक तो हम आते जाते रहेंगे। बाद में जब बिजनेस शुरू हो जाएगा तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा। वैसे आपकी बेटी तो आती रहेगी यहाँ पे, तो क्या आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहे? पापा तो चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं, लेकिन मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं। माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे। प्लीज आप लोग भी हमारे घर आए ना कभी, अच्छा लगेगा हमें। अच्छा, आ तो जाया करें, लेकिन शायद तुम्हारी वालदा को अच्छा ना लगे, रमशा को भी। याद नहीं है उस दिन नाश्ते वाले दिन? आरफा, निहाल बेटा, ये आरफा को आदत है जरा जली कटी सी बातें करने की, उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना दिया करो। कोई बात नहीं अंकल, आंटी का गिला बिल्कुल जायज है अपनी जगह। अब सच बात करने से तो आप मुझे रोक नहीं सकते। आपको याद नहीं है वलीमे वाले दिन इन्होंने बीना को आने नहीं दिया? अगले दिन नाश्ते पे हमारी कितनी बेइज्जती की, बदसलूकी की, मुझे तो भाई बहुत बुरा लगा। अम्मा प्लीज बस करते, जो कुछ भी हुआ उसमें मीना या निहाल भाई का क्या कसूर है? अभी बात नहीं दोहराएंगे आप। निहाल भाई, आप मुझे बताएं कि घूमने फिरने कहाँ जा रहे हैं? अभी डिसाइड नहीं किया, मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहता हूँ, बीना नॉर्थन कंट्री में, तो स्टिल। अरे तो इसमें मुश्किल बात क्या है, डिसाइड करें ना। हाँ मुश्किल तो कोई नहीं है, पर आप प्लीज चाची जान की बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज, बस उनकी आदत ही ऐसी है हमेशा से। बीना बहुत गुस्सा है मुझे, सच में गुस्सा है। मैंने तो कभी मॉम को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहने दिया और वो, उन्होंने मुझे माँ बन के पाला है हमेशा। वो सिर्फ जबान की कड़वी है, दिल की बहुत अच्छी है वो। इस तरह तो मेरी मॉम का ज्यादा हक है क्योंकि वो सगी है। बस सगी और पालने वाले में इतना ही फर्क है, सगी पालने पोसने का ताना नहीं देती और पालने वाली हक से जताती है। तुम ठीक कह रही हो बीना, आई एम सॉरी, मैं ना जाने क्यों तुमसे रूडली बात कर रहा हूं। प्लीज क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, आइसक्रीम खाएं? ओके सो इट्स अ यस, लेट्स गो एंड हैव योर फेवरेट आइसक्रीम। मसला क्या है बीना से, उसकी जान छोड़ क्यों नहीं देती तुम? वो क्यों नहीं छोड़ देती मेरी जान? अब तो शादी हो गई है ना उसकी, रहे अपने ससुराल में, क्यों भागी आती है यहाँ? आरफा बहुत बर्दाश्त किया है मैंने तुम्हें, वरना तुम्हारे बारे में जो जो बातें मुझे पता चली हैं, मेरा तो दिल चाहता है कि तुम्हें घर से निकाल दूं। हाँ तो निकाल दे, ये शौक भी पूरा कर ले, वैसे भी मेरी यहाँ कोई कदर औकात तो है नहीं। तुम्हें पता है अगर जन्नत से निकाल दिया जाए तो भटकना मुकद्दर बन जाता है। वैसे भी मैं यहाँ कौन सी सुखी हूँ, सूली पे तो चढ़ा रखा है मुझे, और लोग पूछेगा इस साजदा को, सारा कुछ मेरे साथ मिलके करती रही और अब सारे इल्जाम मेरे सर पे थोप दिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, उस मासूम लड़की के साथ तुमने क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो सब कुछ भुला के यहाँ पर आती है, तुम्हें इज्जत देती है, इतने बड़े घर में ब्याही गई है, फिर
फिर भी यहाँ पर आके तुम्हारी सारी बातें सुनती है सब्र से। अरे कौन कहता है उसे यहाँ आने को? नहीं चाहिए मुझे ऐसी इज्जत। अफसोस, सब अफसोस, तुम्हें इज्जत रास ही नहीं आती। आप उसे मना कर दे बस, आखिरी बार मैं आपको कह रही हूँ, उसे इस घर में आने से मना कर दे। ये उसका घर है और वो यहां पर आएगी क्योंकि वो उसका हक है। देखते जाए करती क्या हूं मैं उसके साथ। क्या बात है बेटा, जब से तुम आपा के घर से आए हो पहले से ज्यादा अफसोसता हूं। वीना से मिल के आया, खुश लग रही थी बहुत। हाँ तो अच्छी बात है ना बेटा, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। बस तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए ना तो मैं तुम्हारी शादी भी करा दूंगी। मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी तुमने शादी? बेटा मुझसे नहीं होते अब इस घर के काम काज, मुझसे नहीं संभलता ये घर। तो कोई मेड रख ले, प्रॉब्लम क्या है इसमें? असलान बेटा मेरी भी तो ख्वाहिशें हैं ना, मेरे भी अरमान हैं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, अपने पोते पोतियों का मुंह देखना चाहती हूँ। नहीं मुझे शादी नहीं करनी, खुदा का वास्ता मुझे फोर्स मत करें। जल्दी लेकर आया करो ना, जाओ किचन में देखो काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ ना चाय पी लो। नहीं थैंक यू, वी जस्ट हैड एन आइसक्रीम सो वी आर फुल। अरे तुम ऐसे ही बैठ जाओ बेटा, गपशप करते हैं। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं चेंज करके आ जाऊं। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, इनफैक्ट मुझे भी फ्रेश होना है सो साथ ही चलता हूँ मैं। लेट्स गो। ठीक है बेटा। तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ खा पी क्यों नहीं रही? बस दिल नहीं चाह रहा। क्यों आंटी, आपने तो लंच भी नहीं किया था, ऐसे तो सेहत खराब हो जाएगी। रहने दो, किसी को परवाह है मेरी यहाँ इस घर में? नहीं खाना मुझे कुछ। आंटी अंकल आप निहाल को क्यों नहीं समझाते, क्यों वो बातें करता है जो आंटी को नहीं पसंद? बीवी के आ जाने से बिल्कुल ही केयरलेस हो गया वो। समझाऊंगा उसे। तुम ये बताओ कि वापस कब जा रही हो? मामा तो कहती हैं कि आ जाओ, मेरा अपना ही दिल नहीं चाहता। मेरा ख्याल है कि
तुम अपने दिल को समझाओ और मेथत की बात मान लो। क्यों आप मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर से निकाल नहीं रहा, ये तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो यहां आकर रह सकती हो, लेकिन इस वक्त चली जाओ। जब रिफत इस रिश्ते को कबूल कर लेगी तो वापस आ जाना। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मेरे बेटे का घर बर्बाद हो। आपको लगता है कि मैं आपके बेटे का घर बर्बाद करी? नहीं, लेकिन तुम्हारे यहां रहने से किसी न किसी तरह इस रिश्ते में फर्क पड़ रहा है। देखो, तुम मेरी बात का बुरा नहीं मनाना, तुम इस घर की बेटी हो। नहीं, मैं आपकी बेटी। यूं का तो मान रखा जाता है, तो घर से निकाला नहीं जाता। पापा, आपको मामा की बातों को इतना दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। बेटा कैसे दिल पर ना लूं, कैसे परेशान ना हूं, उस औरत की मुझे कुछ समझ ही नहीं आती। इतनी गलती तक तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आप जानते तो हैं मामा को, शुरू से ही बीना के खिलाफ, और एक वक्त में तो मुझे भी अपने जैसा बना दिया था उन्होंने, बिल्कुल बिना के खिलाफ। अब तक अफसोस होता है उस दिन पर कि कितनी बुरी हो गई थी मैं उसके साथ। लेकिन उसके बड़े दिल को तो देखे, उफ तक नहीं की उसने। इसी बात का तो दुख होता है बेटा, वो बेचारी एक लफ्ज नहीं कहती और ये औरत ये मुसलसल उसे जलील करती रहती है। मुझे तो डर लगता है कि मैं कहीं कोई हतमी कदम ना उठा बैठूं। पापा नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वादा करें मुझसे। और जहां तक बात है मामा की, तो आप उन्हें इग्नोर किया करें, जैसे वो यहाँ है ही नहीं। मैं कैसे इग्नोर करूं बेटा, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। ऊपर से वो जो बातें करती है, मुझे डर लगता है कि कहीं वो तुम्हारे सामने ना आ जाए। बच्चियों की किस्मत जो है बहुत नाजुक होती है, तो मुझे तुम्हारी किस्मत से डर लगता है। आप बस अल्लाह से दुआ करें। दुआ तो तुम दोनों के लिए मैं हर वक्त ही करता रहता हूँ बेटा। अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, बिल्कुल वैसी जैसे बीना बनाती थी। जी थीरा। निहाल को किसी और के हवाले करके चले जाओ, यानी कि मैं हार के यहां से चले जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं निहाल को किसी और का होने नहीं दूंगी। Ooh.
क्या सोच रही हो? आपको मना कर रही थी ना कि चाची जान के मुझे नहीं रुकना, अम्मी जी नाराज हो जाएंगी। और देखिए वही हुआ ना, नाराज हो गई मैं, उनको बुरा लगा। देखो तुम माम के रवैये की टेंशन मत लो, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। फिर भी निहाल, देखो मैं कह रहा हूँ ना, इधर वही तो देखो, इट विल बी ऑल ऑन राइट। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, वो मुझसे नाराज हुई ना, मुझे जाके बात करनी होगी, मैं अभी जाके उनसे बात कर रही हूँ। अभी जाने का फायदा नहीं है, वक्त भी हो गया, बात में कर लेना। ये चेहरे पे परेशानी नहीं चाहिए मुझे, एक अच्छी सी चाय चाहिए, मिल सकती है? आप जाए मैं चाय बना कर आती हूँ। अम्मी जी, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि दस्तक दे के कमरे में आते? नहीं, वो दरवाजा खुला था तो मैंने सोचा। अच्छा, तुमने सोचा कि दरवाजा खुला हुआ है तो मैं दंदनाती भी अंदर चली जाती हूँ, क्योंकि रिफत बेगम तो मेरे इंतजार में आके भी चाय बैठी होंगी। नहीं अम्मी, वो मैं बाद बाद में। दरवाजे पे जाओ, पहले दस्तक दो और इजाजत मांगो अंदर आने की। जी? सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? दरवाजे पे जाओ, दस्तक दो, इजाजत मांगो अंदर आने की। अम्मी मैं अंदर आ सकती हूँ? अम्मी मैं अंदर आ सकती हूँ? अम्मी अंदर आ जाओ। नहीं, तुम नहीं आ सकती अंदर, जाओ। मॉम आपको समझ में क्यों नहीं आता, मैंने हाल को छोड़ के इस मुल्क से बाहर गया, मैं तो शहर से भी बाहर नहीं जाऊंगी। आपको मेरी फिक्र है ना, तो आप यहां क्यों नहीं आ जाती? मुझे ना इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस निहाल चाहिए। आंटी ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो निहाल को हासिल करने में मेरी पूरी मदद करेंगी। खुशफहमी है तुम दोनों की, ना तो वो लड़की निहाल की जिंदगी से जाएगी और ना ही तुम निहाल को पा सकोगे। बिला वजह तुम ना वक्त बर्बाद कर रही हो और अच्छे रिश्ते भी। मॉम तुम मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारे रिश्ते के लिए मेरी दोस्त मुनज़्ज़ा बार बार फोन कर रही है, वो हमारे जवाब का इंतजार कर रही है। छोड़ दो निहाल की जान और वापस आ जाओ यहाँ पे, वासिक बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का? मेरे लिए इस दुनिया में कोई अच्छा लड़का है ना मॉम, तो वो सिर्फ और सिर्फ निहाल, इसके अलावा कोई नहीं। निहाल, निहाल तुम कब तक आखिर इस निहाल? मॉम मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मेरी बात सुनो रमचा, दीना वो
दफा है, कोई इल्तजा है जो लफ्जों से रुची वो मेरी दुआ मुझे बस निहाल चाहिए। आंटी ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो निहाल को हासिल करने में मेरी पूरी मदद करेगी। मेरे लिए इस दुनिया में कोई अच्छा लड़का है ना माँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ निहाल, उसके अलावा कोई नहीं। ये क्या हुआ? बीना ने तो सब सुन लिया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। निहाल तो पहले ही मेरे खिलाफ है, अगर इसने भी निहाल को बता दिया तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। क्या ज़रूरत थी मुझे यूँ बाहर आके यहाँ बात करने की? बीना को किसी ना किसी तरह अपनी बातों में तो लेना पड़े, लेकिन अगर उसने यकीन ना किया तो अरे रिफत रिफत आंटी से बात करते हैं। नहीं वो भी डांटेंगी, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तैयार क्यों हो गया? मुझे उठा लिया होता मैं आके फिर रेडी कर देती। अरे नहीं वो सब मैंने करवा लिया। फिर भी I'm sorry, पता नहीं कैसे आंखें खुली। I'm sorry। अरे क्या हो गया तुम्हें? तबीयत भी थोड़ी अजीब सी हो रही थी। क्यों क्या हुआ? Are you okay? हाँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ शायद मौसम की तब्दीली की वजह से। तो तुम रेस्ट करो ना, मैं काम करता हूँ, मैं नाश्ता यहीं पे भिजवा दूँ। निहाल जब मैं तुम्हारा हाथ इस तरह पकड़ता हूँ तो शर्म आती है ना तुम्हें? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे भी शर्म आ रही है। अरे निहाल क्या हो गया आपको? ये कैसी लड़कियों वाली हरकतें कर रहे हाँ? आप भी ना बहुत अरसे बाद देखा है तुम्हें ऐसे मुस्कुराते, बहुत खूबसूरत लग रही, बिल्कुल इसी तरह मुस्कुराती रहो, ठीक है लाके। By the way, मेरा हाथ पकड़ के कुछ कहने वाली थी शायद। नहीं। I think so. नहीं कुछ नहीं, मैं प्रश्न वो कराती हूँ, सबके साथ नाश्ता करती हूँ। Okay. शुक्रिया बीना मेरी जिंदगी में इतने रंग भरने के लिए। अरे मेरा बेटा आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला ये खालू की मेडिसिन से हमको दे दीजिएगा। अच्छा बेटे अच्छा, कहाँ चल दिए, बैठो तो सही ना। मुझे ऑफिस पहुंचना है, लेट हो रहा है। इतनी भी क्या जल्दी बेटा, दो मिनट नहीं बैठ सकते अपनी खाला के पास? नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं आप ही खालू को दे दीजिएगा। नाराज हो अपनी खाला से? जो आपने मेरे साथ किया है उसके बाद आपको माफ करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अजलान बेटा एक लम्हे के लिए मेरी जगह अपने आप को रख के देखो,
बेटा मेरे पास साजदा के अलावा और है ही कौन? मैं तो बस सिर्फ ये चाहती थी कि हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुड़ी रहें। पुराने रिश्ते जोड़कर रखने के लिए नए रिश्ते जोड़ने का ख्याल अच्छा है, लेकिन किसी के ख्वाब छीन कर पुराने रिश्तों पे कुर्बान करना गलत है, जो आपने बीना और मेरे साथ किया। अजलान बेटा, पता नहीं तुम्हें बीना ने क्या क्या बताया है मेरे खिलाफ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने कभी भी उसको बुरा नहीं चाहा। मैंने और शहरयार ने तो हमेशा बीना को उतनी अहमियत दी है जितनी सानिया को दी है, कभी दोनों में फर्क किया ही नहीं। खाला प्लीज, मैं सब कुछ जानता, मेरे सामने आपको ये वसाहतें देने की जरूरत नहीं है। देखा बीना ने मेरे खिलाफ कैसे जहर भर दिया है ना सबके दिलों में, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। सबको आपने खुद दूर किया खाला, बीना का इसमें कोई कसूर नहीं। शहरयार मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, सानिया रूठी रूठी फिर रही है, साजदा अपनी जगह नाराज बैठी हुई है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। खाला आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सबके सामने गलती का इतराफ कर लेना है, आपने सबको बता देना है कि जो भी आपने मेरे साथ और बीना के साथ किया वो गलत था।